किचन आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिंटिंग करनी है। हालांकि काफी टाइम पहले हम लोगों ने वीडियो डाला था प्रिंटिंग से रिलेटेड, बीच में थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन जल्दी आपके लिए लेकर के आए हैं फिर मेटल किचन का वीडियो। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा किचन, हमारे पास में किचन है मेटल की या लकड़ी की भी किचन हमारे पास में, सिंगल साइड लकड़ी या फिर डबल साइड लकड़ी भी हमारे पास में, इस तरह की किचन हमारे पास में। तो ये सारी किचन से रखी हुई है, हालांकि इसके अलावा भी काफी सारी रेंज हमारे पास में है जो किचन की हैं। अभी तो मैं छोटी सी रेंज एक आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपको कैटलॉग के अंदर हमारी पूरी रेंज मिल जाएगी किचन की। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किचन किस तरीके से आपके पास में आएंगे और फिर किस तरीके से आपको इसके ऊपर प्रिंटिंग करना है। और साथ ही में मेरे पास में है कॉम्बो हीटलेस मशीन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटिंग आपको किस तरीके से करनी है। टेम्परेचर सेट करने का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, अभी सीधा मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर क्या इसके अंदर सेट करना है और किस तरीके से सेट करना है। तो आइए दोस्तों, मशीन मैंने चालू करी, तो जैसे ही मैंने मशीन चालू करी सबसे पहले इसका करंट टेम्परेचर जो अभी आ रहा है 355 आ रहा है टेम्परेचर, 355 मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ है। उसके बाद में किचन सी हमारे पास में मशीन का टेम्परेचर 355 है अभी। तो किचन प्रिंट करने के लिए मेटल किचन अगर हमारे पास में है, ये इस तरह की मेटल किचन हमारे पास में, ये आपके पास में पैकिंग आएगी इस तरह की मेटल किचन की, ये इसका मेटल पार्ट है जिसके ऊपर आप सब्लिमेशन प्रिंट करोगे। इसे अनपैकिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी, ये डबल साइड किचन हमारी है मेटल का ये, और साथ ही में फिर ये मेटल का सब्लिमेशन प्रिंटेबल पार्ट है, एक इधर से लग जाएगा और दूसरा आपको इधर से लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे किचन को प्रिंट करेंगे, इस मेटल पार्ट को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद में इसके ऊपर एल्फी वगैरह से या फेविक्विक से जो 5 रूपये की मार्केट के अंदर आती है, एक ड्रॉप डालेंगे और इसे इधर ही स्टिक कर देंगे, इधर ये होल्ड हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले कुछ किचन से प्रिंट कर रखे हैं, ये सिंगल साइड में है या ये डबल साइड मेटल किचन है, ये काफी और भी काफी सारी शेप्स हैं। अभी तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर आपको सारी शेप्स नहीं दिखा पा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप कैटलॉग हमारा ले लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, आपको लिंक के अंदर नंबर मिल जाएगा मेरा, तो वहीं से उधर से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ बिना देरी करे हुए, ये प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है, अगेन सब्लिमेशन पेपर के ऊपर मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है सब्लिमेशन इंक के साथ, ठीक है। ये मेरा प्रिंट आउट निकाला हुआ है, प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है मिरर, मतलब उल्टा निकाला हुआ है इसके ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए। तो मैंने ये मेटल का पार्ट है इसके साइज का ये मैंने बनाया हुआ है, तो सीधा सीधा इसी के ऊपर लगा करके मशीन में रख करके हम इसे हीट करेंगे। दूसरा इसी के साथ में कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। एक सबसे पहला आपको प्रिंट आउट मिरर निकालना है, हालांकि वो टेम्परेचर चार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि उसके अंदर आपको मिरर निकालना है। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है, आपको अगर मेटल प्रिंट आप करोगे तो मेटल के ऊपर क्या हो रखा है, एक प्रोटेक्शन लेयर इसके ऊपर लगा हुआ है ताकि स्क्रेचेज वगैरह इसके ऊपर ना आए। तो हल्का सा नखून आप इसे मार करके इसे निकाल लेंगे, आप हल्का सा नेल लगा करके, ये हमने निकाल लिया इसका जो इसके ऊपर प्रोटेक्शन ले लिया लगा हुआ था, ये निकाल लिया। अभी ये प्रिंट के लिए रेडी है, अभी ये हमने लिया और अगर ये हमें प्रिंट करना है तो ये इसके ऊपर लगाया हमने इस तरीके से। वही अगेन हीट टेप हमारे पास में है, हीट टेप से हम इसे होल्ड कर देंगे, ये हमने हीट टेप से इसे होल्ड कर दिया। ऑप्शन है आप एक साथ में 10 किचन रख लो, 15 किचन रख लो, लेकिन अगर आपको चांसेस, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिंट कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिंट कर रहे हो तो उसमें आप ये कि पहले एक प्रिंट आप करके देख लो, अगर एक आपका अच्छा आ जाता है नेक्स्ट के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो इंस्टेंटली, कि आप एक ही साथ में फिर 6-7 रख लो, या अगर आपका पहली बार में सही नहीं आता है फिर आप समझो गलती कहां करी, हमसे बात करो, हम आपको बताएंगे भाई गलती आपने कहां करी है प्रिंटिंग करने में, तो वो सारी चीजें हैं। तो इनिशियली मैं एक बार 2 करूंगा एक साथ में, आप एक ही कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिस है ऑलरेडी तो आप एक साथ 6-7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने टेप से होल्ड कर लिया ये। अच्छा टेम्परेचर की अगर मैं इसके अंदर बात करूं, ये मैंने फिक्स कर दिया है, अभी अगर टेम्परेचर की बात करूं तो मशीन के अंदर अगर हम किचन प्रिंट कर रहे हैं, मेटल किचन अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो मशीन के अंदर टेम्परेचर जो हम रखेंगे मिनिमम 355, मैक्सिमम भी 355 और टाइमिंग 60 सेकेंड्स, ये सारी डिटेल आपको टेम्परेचर चार्ट के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 355, मैक्सिमम 355 और टाइमिंग 60 सेकेंड्स। और एक बार टेम्परेचर चेक करते हैं, मोड का बटन एक बार हमने प्रेस करा, प्रेस करते ही मिनिमम टेम्परेचर इसका 355 शो कर रहा है, अगेन प्रेस करा मैक्सिमम भी 355 इसका शो कर रहा है। अगर हमें कम ज्यादा करना होता तो ये बढ़ाने के लिए है और ये कम करने के लिए है,
ये 355 कर दिया। अगेन मोड का बटन फिर से प्रेस करा, ये टाइमिंग 60 सेकंड्स आ गया, परफेक्ट है। फिर मोड प्रेस कर दिया, 355 इसका करंट टेम्परेचर है। अभी हम प्रिंटिंग के लिए प्रोसीड करेंगे। ये तो अभी देखो, जैसे ये मेटल है हमारा 0.45 mm का मेटल होता है, बहुत ही पतला मेटल होता है। अगर मैं इंस्टेंटली से इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा और प्रेस कर दूंगा, हो सकता है प्रिंटिंग हमारी क्लियरिटी ना आए, क्योंकि ये इतना पतला है। जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा ना, ये जो रबर है, रबर के अंदर ये घुस जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी नॉर्मल पेपर आप ले लो, बस इसे हल्का सा हम इसकी टाई बना करके कागज की हल्का सा इसे हाइट पर ले आएंगे मेटल को, वो फिर इजीली उसे हीट मिल जाएगा। अगर कुछ हाइट हम नहीं रखेंगे तो हो सकता है शायद वो इसी के अंदर ही दब जाए और प्रिंटिंग अच्छी ना आए। ये हमने इसकी दो तीन बार पेपर को फोल्ड कर लिया, और पेपर को फोल्ड करके कोई भी नॉर्मल पेपर चलेगा, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक आपको कोई पेपर लगाना है, कोई भी नॉर्मल पेपर चलेगा। ये हमने हल्का से इस तरीके से रख लिया है, और इसके ऊपर नॉर्मली पेपर हमने लगा लिया। नॉर्मल पेपर लगा सकते हो या आप इसके ऊपर टेफ्लॉन शीट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर टेफ्लॉन शीट हमारे पास में, टेफ्लॉन शीट मैंने रख लिया है इसके ऊपर, किधर भी साइड से रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने कागज इसलिए लगाया ताकि कि आपका जो मेटल है वो थोड़ा सा हाइट पर आ जाए और प्रिंटिंग हीटिंग उसे प्रॉपर मिल जाए। और ये हमने मशीन प्रेस कर दिया, और ये लास्ट वाला बटन हमने साथ ही में प्रेस कर दिया। इस बटन को प्रेस करा हमने, 60 सेकंड का हमने काम डाउन डाला था, तो 60 सेकंड का काम डाउन इसके अंदर चालू हो गया। अभी 60 सेकंड का हम लोग वेट करेंगे और फिर एक बार प्रिंटिंग चालू करें, हम अपना आइटम हमारा रेडी हो जाएगा, फिर हम अपने आइटम को निकाल लेंगे। साथ ही में अभी मैं आपको बताऊं, अगर ये MDF मतलब लकड़ी की किचन हमारे पास में है, सबलिमेशन MDF की किचन हमारे पास में है। ये डबल साइड है, ये सिंगल साइड है, ये भी सिंगल साइड है, और ये हमारी डबल साइड है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई इतना गंदा है ये, क्या इसके ऊपर प्रिंटिंग करेंगे तो कैसा आएगा। बिल्कुल भी गलत समझने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो ऊपर जो एरिया गंदा हो रहा है ये क्योंकि लकड़ी है, लेजर से कटी है, तो इसीलिए इस पर ही निशान आ गए हैं। आप इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन लेयर लगी हुई है, आप हल्का सा कोई भी कॉर्नर से अगर आप पील ऑफ करोगे इसे ऊपर की प्रोटेक्शन लेयर को, तो इजीली आपकी प्रोटेक्शन लेयर निकल जाएगी। ये आपकी प्रोटेक्शन लेयर निकल गई। इससे भी आसान तरीका है प्रोटेक्शन लेयर निकालने का, एक बार ये किचन रेडी हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा। और 60 सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा गर्म होगा, ध्यान से कीजिएगा, हम लोगों को तो थोड़ा सा आदत है इसलिए हमें पता है गर्म होगा, कभी आप एकदम से इसे पकड़ लेंगे तो हाथ भी आपका जल जाएगा, ध्यान से कीजिएगा। ये हमारा किचन का जो मेटल है ये हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए क्या शानदार क्वालिटी आया है। साथ ही में दूसरा वाला पीस भी निकालेंगे। तो यही बहुत सिंपल प्रोसेस है, हालांकि हर एक आइटम का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आइटम हमने लिया, उसके ऊपर सब्लिमेशन पेपर लगाया, और मशीन के कंपेटेबल अटैचमेंट में और कंपेटेबल टेम्परेचर सेटिंग्स के साथ में हमने प्रिंट कर दिया, ट्रांसफर एकदम शानदार आएगा। अभी कुछ नहीं करना है, एज इट इज ये हमने, ये हमारे पास में है। अब ये फेविक्विक साथ ही में हमारे पास में जो मार्केट के अंदर 5 रुपए के अंदर अवेलेबल रहती है छोटा पैकेट, ये इधर फिक्स हो जाएगा हमारा, और ये हमारा इधर फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। एल्फी की हेल्प लेंगे हम, सॉरी फेविक्विक की। ये हमने ओपन करा, ये इधर हमने फिक्स कर दिया, और ये आपका रेडी हो गया। हल्का सा टाइट कर दे, मतलब दबा देंगे बस इसे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, और ये आपका इसी के साथ में मेटल किचन रेडी हो गया। हर एक मेटल किचन का, मतलब सब्लिमेशन वाली मेटल किचन का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने मेटल लिया, अपना सब्लिमेशन पेपर इसके ऊपर लगाया, बस ध्यान रखिएगा इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर होता है, आप प्रोटेक्शन लेयर को हटाना ना भूलें। ये प्रोटेक्शन लेयर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये हटाना ना भूलें, ठीक है। अभी साथ ही में एक और करके मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास इसके लिए भी प्रिंट आउट है शायद, ये मेरे पास में इसके लिए रखा हुआ, मैं एक और आपको करके बता देता हूँ। अब एक साथ में हम एक बार तीन करते हैं, चलिए। देखो लिंक में मेरा नंबर भी है, कहीं कोई प्रिंटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है एनी टाइम कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपको सर्विस मिलेगा। अभी हमने इसके ऊपर से प्रोटेक्शन लेयर हटाया था, तो ये हमने इसके अंदर लगाया, और
हीट टेप से हमने होल्ड कर दिया। बस अच्छा पेपर, अच्छा इंक आप यूज करेंगे और साथ ही में आप गुड क्वालिटी का अगर मेटल आपके पास में तो प्रिंटिंग ऑब्वियस है शानदार आएगा, कोई आपकी प्रिंटिंग को गड़बड़ नहीं कर सकता। फिर ये हमारे पास में दूसरा मेटल है, इसके ऊपर से हमने प्रोटेक्शन लेयर हटाया। बस ध्यान रखें प्रोटेक्शन लेयर हटा दें, अदरवाइज प्रिंटिंग आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने प्रोटेक्शन लेयर नहीं हटाया तो। देखो प्रोटेक्शन लेयर को निकालने का और भी एक इजी तरीका है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। ये तो मैंने मैनुअली निकाला, हम हीट प्रेस मशीन से भी इसे निकाल सकते हैं प्रोटेक्शन लेयर को। अगर आपके पास में नेल्स नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अभी मैं आपको मशीन से तरीका बताता हूँ, मशीन से आप कैसे निकालेंगे। तो ये हमने ये इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर से प्रोटेक्शन लेयर हम लोगों ने नहीं हटाया और हमने ऐसे ही इसके ऊपर रखा इसे, और हल्का सा इसे, बहुत हल्का सा इसे प्रेस करेंगे, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के लिए बस। और अब इजीली ये पील ऑफ हो जाएगा, कोई भी कॉर्नर पकड़ के आप इसे निकाल दोगे इजीली ये निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एग्जैक्टली पोलोथीन टाइप लगा होता है, जैसे ही वो हीट होगा वो अपने आप सिकुड़ जाता है, ये इजीली निकल गया ये आपका। एक ये भी तरीका है, अदरवाइज आप हाथ से तो निकाल ही सकते हो हल्का सा रब करके। और अगेन हमने ये इसके ऊपर लगाया और हीट टेप से होल्ड कर दिया। तो हमने रेडी कर लिए, इस बार हम एक साथ में 4 मेटल लगाएंगे। बस एक बार आपका टेम्परेचर आपने अगर सही सेट कर लिया, एक आपने सैम्पलिंग ऐसे ही करके देख लिया कि हाँ सही आ रहा है, फिर एक साथ में आप 5-6-7 जितना आपको लग रहा है आप लगा दीजिए। हमने लगा दिया, लास्ट वाला बटन हम लोगों ने प्रेस करा, काम डाउन चालू हो गया और ये मशीन हमने प्रेस कर दिया। अब बस 60 सेकंड्स का वेट करना है, वो आपका रेडी हो जाएगा इजीली। बस 60 सेकंड्स का वेट करेंगे, बस ये 15-14 सेकंड और बची हैं। अगर हल्का सा कॉस्टिंग का मैं आइडिया दूं इसके अंदर, तो मेटल वाली करीबन 40 से 50 रुपए के आसपास में रेडी हो जाती है, और लकड़ी की अगर किचन की बात करें, एमडीएफ की बात करें, सिंगल साइड वाली 10-12 रुपए के आसपास, डबल साइड वाली 20 रुपए के आसपास। इसके अलावा अक्रैलिक की भी किचन हमारे पास में होती है। अभी ये मशीन रेडी हो गई हमारी, मतलब प्रिंटिंग कर दिया इसने, ये हमने निकाल लिया, मशीन को उठाया हमने और टेफ्लॉन शीट हटाया, ये हमारा रेडी हो गया। किचन हमारा ये रेडी हो गया। अगर आपने टेम्परेचर, टाइमिंग और इंक पेपर आप परफेक्ट यूज कर रहे हो, अच्छा यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्वालिटी आपका गुड आएगा। ये आपका रेडी हो गया। अभी अगर किचन हमारे पास में, ये किचन सिंगल साइड है, ये इसके ऊपर अगर हमें फिक्स करना है, या हमारे पास में थी इसके ऊपर हमें फिक्स करना है, बस एल्फी हमने लिया, फेविक्विक हमने लिया, एक ड्रॉप आपने डाला बस, देख करके सीधा किधर से, और आपने ये होल्ड कर दिया। दैट्स इट। रेडी हो गया किचन मेटल डबल साइड, ये आपका मेटल डबल साइड, ये आपका मेटल सिंगल साइड। तो अभी मेटल का तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी लकड़ी का मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी एमडीएफ की किचन हैं वो कैसे आप करोगे, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं साफ कर दू। अभी मानो अक्रैलिक का, और सॉरी लकड़ी का हमारे पास में किचन है, ये सिंगल साइड है और ये बोथ साइड है, हम ये दोनों ही प्रिंट करके आपको दिखाएंगे सिंगल साइड कैसे होगा, डबल साइड कैसे होगा। ये प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है, हार्ट शेप का प्रिंट आउट मैंने ये निकाला हुआ है, एक फ्लावर शेप मेरे पास में, फ्लावर शेप का मैंने ये निकाला हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक आसान तरीका फिर से हम करके देखेंगे उसी तरीके से। ये हमने वेस्ट पेपर अपना लिया, इसके ऊपर मेटल, इस लकड़ी वाली किचन को रखा,
मशीन को मूव करा और एग्जैक्ट 3 से 4 सेकंड के लिए हम लोगों ने प्रेस करा उसे, पूरा प्रेस नहीं करा, मैंने हल्का सा प्रेस कराया बस, जिससे इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है वो सिर्फ हल्का सा मेल्ट हो जाए और हल्का सा आप नखून मारोगे और ये आपका इजीली बाहर आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम इसका निकाल चुके हैं, दोनों सिंगल साइड ही हमारा, और इनको अलग कर लिया। इस तरीके से फिक्स करा और ये हीट टेप से, सेम वही प्रोसेस हीट टेप से हमने इसे होल्ड करा। ये भी सिंगल साइड है, साथ ही में एक डबल साइड भी हम लोग रख लेते हैं। डबल साइड हमारे पास में ये हार्ट शेप है तो हार्ट शेप यही ले लेते हैं हम। अगर शेप अपनी बना सकते हो आप हार्ट शेप की तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं कोई दिक्कत है, मेरे पास में सभी की पीएसडी अवेलेबल है। अगर आप मटेरियल हमसे ले रहे हैं तो पीएसडी सभी के अवेलेबल है मेरे पास में भाई, साइजेस क्योंकि जनरली सभी के अलग अलग होते हैं किचन के, तो मेरे पास मेरी किचन की तो पीएसडी अवेलेबल है, आप वो भी उससे भी हेल्प ले सकते हो। अब अगर आप एग्जैक्टली हार्ट शेप मैंने बनाया हुआ या आप नहीं बना पा रहे तो आप पीएसडी ले लो, लिंक में नंबर होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको पीएसडी वगैरह जो भी अगर पॉसिबिलिटी होगी व्हाट्सएप पर, अदरवाइज मेल पर भी आपको मिल जाएगा। ये हमने एग्जैक्ट फिट करा इसके अंदर ये, और वही सेम हमने टेप से इसे होल्ड कर दिया, वो हमने रखा इसे इसके ऊपर। इसमें हालांकि आपको हाइट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 3 mm के आसपास का मटेरियल है तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी रख लिया, कागज हमारे पास में रखा था। और ये हमने प्रेस करा और वही सेम लास्ट वाला बटन प्रेस करा, 60 सेकंड से काउंट डाउन चालू हो गया। लकड़ी के लिए भी सेम टेम्परेचर सेम टाइमिंग पे काम करेंगे, कोई हमें चेंज नहीं करना है। 355 मिनिमम टेम्परेचर, 355 मैक्सिमम टेम्परेचर और टाइमिंग 60 सेकंड्स सिर्फ। अब 60 सेकंड से हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद में किचन हमारा रेडी हो जाएगा। और ये प्रोबेबली टाइम हमारा ओवर ही हो गया है, 7654। बीप कर रहा है, लास्ट वाला बटन प्रेस हम लोगों ने करा, बीपिंग करना बंद कर दिया और मशीन को हमने उठा लिया। ध्यान रखें हमेशा प्रोटेक्शन लेयर उसके ऊपर से उतार लीजिए, अगर आपने प्रोटेक्शन लेयर नहीं उतारा है तो वो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, वो सारा प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अभी ये देखिए, ये हमारा प्रिंट हो गया है फ्लावर वाला, जो हमारा सिंगल साइड था, ये हमारा डबल साइड था, अभी सिंगल साइड हम लोगों ने प्रिंट करा है, अभी दूसरा साइड से और प्रिंट करेंगे इधर की तरफ से। अब हीट पहले से हो चुका है, लगभग इसका जो प्रोटेक्शन लेयर है वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, ये हम लोगों ने दूसरी साइड से भी उतारा। बस आपका जो गंदगी है वो प्रोटेक्शन लेयर के ऊपर लगी हुई है, आप जैसे ही प्रोटेक्शन लेयर रिमूव करोगे आपका पीस जो निकलेगा बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा, बिल्कुल साफ निकलेगा। अभी हार्ड शेप हमारा दूसरा वाला ये रहा, मैं इसके ऊपर फिक्स करा, मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है, आप हो सके तो थोड़ा सा बड़ा निकालिएगा क्योंकि कभी कभार स्पेस बच जाता है। तो गर्म भी है काफी हो रहा है, ध्यान से करें। अगर आप किचन की एप्लीकेशन की बात करें, भाई किचन कहाँ कहाँ आप इन्हें लगा सकते हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर इवन बाइक शोरूम्स हैं, कार के शोरूम्स हैं, पर्सनलाइज किचन वहां आप दे सकते हैं इन्हें। तो ये हमने लगा दिया, फिक्स कर दिया है, अब ये इसके ऊपर हमने रखा और वही सेम टेफ्लॉन शीट हमने ऊपर से रखा। बस ये ध्यान रहे, आप कभी भी प्रिंट कर रहे हैं आपका जो सब्लिमेशन पेपर है वो हमेशा हीटर की तरफ होना चाहिए, आप ऐसा नहीं है कि आप इसे इस तरीके से रख देंगे तो आपका प्रिंट नहीं होगा, आपने सब्लिमेशन पेपर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। आपने मशीन मूव करा, हमने प्रेस कर दिया और लास्ट वाला बटन हमने प्रेस करा, 60 सेकंड से काम डाउन चालू हो गया। बिल्कुल आप देख रहे होंगे पिछले हमने जितने भी किचन प्रिंट करी है हर एक किचन का बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हमने किचन लिया
उसके ऊपर सब्लिमेशन पेपर है, ये हमारे पास में सब्लिमेशन पेपर लगाया और मशीन में रख करके गर्म कर दिया, दैट्स इट, और 60 सेकंड से काम डाउन चालू हो गया। हर एक आइटम का इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं हर एक आइटम का आपको वीडियो डालूं यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको भी इजी रहे प्रिंटिंग करना। अभी बस 60 सेकंड का वेट करेंगे हम लोग, उसके बाद में किचन को निकालेंगे। मशीन बीप कर रही है, प्रेस करा, 355 मशीन है हमारा, अभी ये हमने निकाल लिया। अभी आपका ट्रांसफर हो गया, अभी ये देखिए आपका किचन रेडी हो गया। अभी किचन के बाद में हमारा किचन तो रेडी हो गया, अब बारी आता है इसके अंदर रिंग लगाने का, कुछ ये जो छल्ला टाइप होता है रिंग लगाने का, जो मेरे पास में रखा हुआ है। ये आपको इधर से जब भी आप कभी कंसेप्ट सब्लिमेशन से आप आइटम परचेज करेंगे तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। एक ही आपको कनेक्टर मिलेगा छोटा, और साथ ही में रिंग मिलेगा, ये हमने इधर से डाला इसके अंदर और दूसरी साइड से इसके अंदर लगाया। और कोई भी छोटा मोटा आप प्लास अपने साथ में रखिएगा, मतलब जब भी आप किचन प्रिंट कर रहे हैं वो इसे एक्चुअली फोल्ड करने में काम आएगा, दैट्स इट। मैं आपको इंस्टेंट करके दिखा रहा हूँ, गर्म है बस थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज आप ठंडा करके कीजिएगा। ये हम लोगों ने फोल्ड कर दिया, अभी यहाँ पे किचन रेडी हो गया। हमने सिंगल साइड भी करा था, डाल देंगे हम। हमारे पास में किचन्स करीबन मोर देन 6 टाइप्स हैं। आप अगर लकड़ी से सूख रहे, लकड़ी में सिंगल साइड, लकड़ी में डबल साइड भी है, फिर मेटल में सिंगल साइड है, मेटल में डबल साइड है, फिर एक अक्रैलिक में भी किचन आता है, अक्रैलिक में सिंगल साइड हमारे पास में, अक्रैलिक में डबल साइड है। किचन्स काफी तरह का है और हर एक किचन्स का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने आइटम लेना, किचन अपना लेना है, सब्लिमेशन पेपर लगाना है और मशीन के अंदर कंपेटेबल अटैचमेंट के साथ में आपको प्रिंट कर देना है। तो दोस्तों